हाय एवरीवन, वेलकम टू पेन टू प्लेट फ्रॉम जयंती। आज हम बनाएंगे जुकीनी कोफ्ता। बहुत ही यमी ये कोफ्ते बनते हैं। आप इसको राइस, रोटी, किसी के साथ, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 जुकीनी लिया है और 3/4 कप के अराउंड मैंने बेसन लिया है। एक बड़े साइज़ का टोमेटो लिया है, इसको बड़े पीसेस में काट लिया है क्योंकि हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। ये 2 इंच का अदरक लिया है और 3 मैंने गार्लिक लिया है। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम एक पेस्ट बनाएंगे। और एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया था, उसको भी पीसेस में काट लिया है, अब इसको भी पेस्ट बनाएंगे हम। ऑयल हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप भी यही यूज़ करें। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लेंगे। और ड्राई स्पाइसेस में मैंने 2 तेज़पत्ता लिया है, 1/2 छोटी चम्मच मैंने कलौंजी लिया है और 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। और ये खड़े गरम मसाले हैं, इसमें 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग और 2 इंच के आसपास दालचीनी ली है सिनेमन। 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून ही कसूरी मेथी लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ही टर्मेरिक पाउडर लिया है। कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून लिया है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है। तो चलिए हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। अब सबसे पहले जुकीनी को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। दोनों जुकीनी हम अच्छे से इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे और जैसे ही ग्रेट हो जाए तो उसमें हम सॉल्ट थोड़ा स्प्रिंकल करके उसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस 10 मिनट के बाद आप देखिए कितना वाटर रिलीज़ करता है ये। तो इसको अच्छे से हाथों से दबा दबा के, निचोड़ के इसका एक्सेस वाटर जो है हम निकाल देंगे सारा। और ये वाटर हम ग्रेवी बनाने में यूज़ कर लेंगे, इसको वेस्ट ना करें। अब सेम बोल में जुकीनी डाल दें और 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ही आमचूर पाउडर लिया है। बेसन इसमें मैंने 1/2 कप के आसपास मैंने डाला होगा इसमें बेसन, इतना ही लगता है। तो आप देख लें, जितना चिपचिपा रहे तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। फिर हाथों को धुल के साफ़ कर लें और फिर ऑयल लगा के थोड़ा सा गोल गोल कोफ्ते के शेप में इसे बना लें। नमक इस टाइम आप बिल्कुल भी ना ऐड करें क्योंकि पहले ही और नमक डाल दिया है और ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रखा था। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो तो उसमें कोफ्ते ऐड करें और बिल्कुल मीडियम हीट पे से फ्राई कर लें, गोल्डन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे अच्छे से फ्राई कर लें ताकि ये अच्छे से जो बेसन है वो पक जाए। हाई फ्लेम पे ना करें इसे फ्राई। और सेम जो ऑयल बचता है उसे दूसरी पैन में डाल के अब हम खड़े गर्म मसाले, कलौंजी और जीरा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा जैसे जीरा चटकने लगे और मसाले अच्छे से इसमें पक जाए थोड़ा, तो फिर उसमें हम जो हमने अनियन लिया था उसका पेस्ट बनाया लिया था वो ऐड कर देंगे। उसे अच्छे से 2 मिनट तक के आसपास भूनेंगे। कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाए तो इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही टोमेटो और जिंजर गार्लिक की प्यूरी वो भी ऐड कर देंगे। अब इस टाइम में जो ड्राई स्पाइसेस थे वो सारे ऐड कर देंगे। अब सिर्फ कसूरी मेथी और गरम मसाला बचा के रख लें। मसाला जैसे अच्छे से भुन जाए तो 1 टेबल स्पून इसमें बेसन डाल दें। और देखिए जैसे ही मसाले ऑयल रिलीज़ करने लगे तो इस टाइम पे जो जुकीनी का वाटर रिलीज़ हुआ था वो हमने रखा था सेव करके, वो डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। तो आप जो ग्रेवी है वो अपनी अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। 1/2 कप मैंने वाटर इसमें अभी ऐड किया है ताकि जब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे तो वो सोक करेंगे, तो परफेक्ट इसका जो है कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग वाटर डाल सकते हैं इसमें। अब हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी डाल दें और गरम मसाले भी ऐड कर दें। अब इसमें 1 बॉयल आने देंगे और जैसे ही बॉयल आ जाए तो कोफ्ते इसमें हम सारे शामिल कर देंगे। और कोफ्ते डालने के बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और 5 से 10 मिनट उसको छोड़ दें वैसे ही ताकि वो अब्सॉर्ब कर लें और किसी फिर सर्विंग डिश में इसे ट्रांसफ़र कर लें। और आप इसे चाहें तो फिर इसे गार्निश कर सकते हैं धनिया के पत्ते से। तो ये कुछ धनिया के पत्ते से मैंने इसे गार्निश कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी है, अब इसे सर्व करेंगे। ये देखिए थाली मैंने रेडी कर दी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी? प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।